नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हम झज्जर के गांव बाघपुर में हैं। आइए जायजा लेते हैं गांव का। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन पर। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर सत्यजीत यादव जी, कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर से। हम उनसे जानते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन है क्या। फसल जो अवशेष होते हैं उससे नुकसान क्या होता है? देखो, सबसे मेन तो किसानों को ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी जो फसलें हम बोते हैं वो हमारी ज़मीन से पोषक तत्व लेती हैं। जैसे अगर हम धान की बात करें तो 25% जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, 50% गंधक, 75% जो है पोटाश, हमारे जो फसल अवशेष के अंदर रह जाता है और किसान भाई अनजाने में उसको जला देते थे पहले, तो ये एक प्रकार से हमारे पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से आवास है। दूसरा, जैसे जलाने के बाद वातावरण के अंदर 70% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 7% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, 0.66% मिथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, बहुत सी विषैली गैसें हैं जो वातावरण के ऊपर भी इसका विपरीत असर डालती हैं। इसके अलावा जैसे ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, हमारे लाभदायक कीट हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ज़मीन का तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, और जो हमारे जो छोटे पौधे होते हैं, बहुत से जीव जंतु मवेशी और हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और हमारे जो एक प्रकार से आर्थिक हानि होती है। तो ये सारे जो हैं इसके नुकसान हैं, तो इसलिए इसका प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। सर, फसल अवशेष प्रबंधन के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारे जो पोषक तत्व हैं, जैसे 10 क्विंटल जो हम अगर जैसे पराली को अगर किसान भाई जला देते हैं तो 400 किलोग्राम जो जैविक कार्बन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं जलाएंगे तो हमारा जैविक कार्बन बढ़ेगा। दूसरा, 5.5 किलो नाइट्रोजन की बचत होती है जो धान के अवशेषों में होता है। 2.3 किलो हमारा जो पोटाश है उसकी बचत होती है। 1.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो गंधक है वो हमारी नष्ट हो जाती है। तो ये सारे पोषक तत्वों को अगर हम पराली के माध्यम से अगर ज़मीन में प्रबंधन करेंगे तो हमारे जो है ना खाद हमें कम डालने पड़ेंगे, हमारा खर्चा बचेगा और उपजाऊ शक्ति हमारी बढ़ेगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो फसल के अवशेष का प्रबंधन कर रहे हैं। और इस गांव सुना है, इस बाघपुर जो गांव है इसमें किसान बहुत ज़्यादा जागरूक है। पहले हम भी इसको गांव में पराली को काट के पशुओं को या दिल्ली मार्केट में या रोहतक मार्केट में बेचते थे, उसका भी हमें फायदा। फिर और भी ज़्यादा इसके ये पता लगा, इसका खाद भी तैयार हो जाएगा, डी कम्पोस्ट के द्वारा हम खाद बनाते हैं। और भी ये भी पता लगा कि भाई 1 इंच ज़मीन को बनाने में करोड़ों साल लग जाते हैं, तो उसको आप जलाओगे तो उसको देखो तकलीफ हो, उसमें करोड़ों मित्र जीव हैं, और उसमें आप इतनी अच्छी ज़मीन है उसमें गन्ना भी हो जाता है, उसी ज़मीन में मिर्च भी हो जाती है, उसी ज़मीन में आप फूल डालोगे तो फूल भी हो जाए, तो एक बच्चे की तरह एक माँ की तरह है। तो इसको हम आग लगाएंगे तो उसका बहुत नुकसान होगा। गांव में हमने बहुत लोगों को ग्रुप बना के समझा तो अब 99% बल्कि 100% गांव में पराली नहीं जलाते हम इकट्ठी करके, और इसमें 20 क्विंटल तक पराली निकल आती है तो 6-7 हज़ार रुपये हमारे बन जाते हैं। जो जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं पराली, ये इसका आप क्या करने वाले हैं? इसका हम पशुओं को काट के पशुओं को चराएंगे या अपने पशुओं का पूरा होने के बाद हम दिल्ली मार्केट में बेच देते हैं। 300 रुपये क्विंटल तक बिक जाती है। जो हमारा कटाई का खर्चा निकल रहा है, जो लेबर लगती है वो हमारा निकल जाता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो फसल का जो अवशेष है उससे प्रबंधन कर रहे हैं। हम जो है ना अपने खेत में इसको काट के हैप्पी सीडर मशीन एक चलाई है, सट्रा चोपर उसको काट कर खेत में ही दबा देते हैं, उससे भी खेत मिट्टी उपजाऊ होती है। तो आप फसल अच्छी होती है। आप फसल अवशेष का क्या कर रहे हैं? आप फसल अवशेष का हम तो यही कर रहे हैं जी, एक तो अपनी पराली को इकट्ठी करके इसका चारा के रूप में यूज करते हैं, और बाकी जो कुछ बच जाता है उसको खाद के यूज के रूप में यूज करते हैं, जमीन में दबा देते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम जानते हैं कि जो फसल के अवशेष हैं वो उनसे क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। हमने पहले अपनी धानों की कटाई करते हैं, वो फसल को निकालते हैं, जो अवशेष बच जाता है, जो फने बच जाते हैं, उसे इस मशीन से काटते हैं, उसमें मिट्टी में मिलाने के लिए, ताकि उसमें फ़ायदा हो जाए, खाद का फ़ायदा मिल जाता है उससे।
और ये जो है पशु चारे में काम आती है और बचती है वो बेचते हैं हम दिल्ली, इनकम हो जाती है इससे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम जानते हैं कि जो फसल के जो अवशेष हैं वो किस तरीके से उसका प्रबंध कर रहे हैं और पहले क्या करते थे और अब आज अब जो मशीन आई है उससे क्या करने वाले हैं। मेरा नाम वेदपाल कादियाना जी, और जो पराली को हम इकट्ठे करते हैं जी, इकट्ठे करने के बाद उसको मंडियों में ले जाते हैं, रोहतक, भादरगढ़, झज्जर, कहीं भी और रहते हैं वहीं ले जाते हैं। 5-6 हज़ार रुपये एकड़ के बच जाते हैं जी किले के, और इसको बाद में जो बच जाती है उसको स्टॉक पे छोड़ देते हैं, वो आगे मतलब 400 रुपये क्विंटल तक बिक जाती है। जो मशीन आपको दी गई है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, हाँ जी, उसको आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करने वाले हैं? बुआई करते हैं, इसकी हमारा खर्चा बचता है जी, बाई बोई का सारा खर्चा बच जाता है जी। कौन कौन सी मशीनें आप? एफी सीडर है जी, और ये चॉपर है जी, यही है, और रोटावेटर है, जो जो बाग बोया करते, जो खर्चा ज़्यादा आता था अब खर्चा बहुत कम हो गया और जल्दी काम हो जाता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती, और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यहां किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते हैं, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि एक टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा।
इस जटिल और ज्वलंत समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद SMS, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा SMS फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद SMS के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह के मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद SMS के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फांस की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद SMS के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50% और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन किसान भाई कर सकते हैं। जी सौरभ जी, ये हम जो है विस्तार से बताना चाहेंगे कि जैसे हमारा जो झज्जर जिला है, इसमें जो धान की जो कटाई है ना, वो हाथ से होती है, कंबाइन से नहीं होती। जहाँ पर कंबाइन से कटाई होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा समस्या होती है। वहाँ पर जैसे रिपर वगैरह, कटर है, स्रब मास्टर है, चॉपर है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो हाथ से कटाई की जाती है ना, तो उससे हमारी जो हैप्पी सीडर मशीन है वो पूरी तरह से कामयाब है। इसके अलावा जो जीरो ड्रिल मशीन है वो भी पूरी तरह से कामयाब है। दोनों ही मशीनें पूरी तरह से कामयाब है और हमारे किसान भाई इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस सरकार द्वारा कोई सब्सिडी दी जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे ये हमारी एक स्कीम चली हुई है, प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू क्रॉप रेजिडू मैनेजमेंट, यानी कि मशीनों द्वारा पराली का यथास्थान प्रबंधन, ये एक हमारा प्रोजेक्ट चला हुआ है पूरे जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी NCR का जो एरिया है, उसमें किसानों को 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इसी स्कीम के तहत हमने यहाँ पे हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल मशीन और ये चॉपर जो है और ये MB प्लो, ये मशीनें उपलब्ध करवाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इनका फ़ायदा उठा सकें और किसान दूसरे किसान इससे लाभान्वित हो सकें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो फसल अवशेष प्रबंधन से वो अपने जो फसल के जो अवशेष होते हैं उससे लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम सुमित कुमार है जी। इससे लाभ तो ये है जी, इसको हम मंडी में बेच के आते हैं, जितने जरूरत होती है अपने पशु के लिए उसको अपने रखते हैं और बाकी मंडी में बेच देते हैं। इससे 5,000 रुपये कड़ा फायदा हो जाता है और वायु प्रदूषण है ये भी, इसका भी फायदा ये भी कम होता है इसको नहीं जलाने से। बताएं आप फसल के जो अवशेष होते हैं किस तरीके से आप उनको
रोटावेटर से मिट्टी मिला दें, खाद बन जाएगा। अवशेष को चारा में ले लो, किसको फैक्ट्री में दे दो, गत्ता फैक्ट्री ये हैं, पराली को पशुओं के लिए सूखा में काट के डाल दो, इसके फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले तो हम चारा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसको हम खाद बनाने में यूज करते हैं, उसको मिट्टी में मिला के बाही करके उसको दबा देते हैं मिट्टी में, तो उसे अच्छा खाद मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, किस तरीके से वो लाभ ले रहे हैं आइए जानते हैं। भूप सिंह बाघपुर, हम जी इसका लाभ इस तरीके से ले रहे हैं, जो जल भराव की स्थिति ज़्यादा है वहाँ तो उसको काट के उसको खाद बना देते हैं, और जिस ज़मीन में जल भराव कम है उसको पशु चारा के लिए यूज करते हैं, और उसके अलग अलग हैं जैसे खुम्बी के खाद के लिए भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया है, और दूसरा जो हम तूड़ा इकट्ठा करते हैं तो उसमें बूंगा बोलते हैं हरियाणा में, तो उसका बूंगा भी या छप्पर बांधने के लिए भी इसका हम प्रयोग करने लग रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत फायदा होने मिल रहा है इससे। बागपुर की चौपाल चर्चा से वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है, लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रहे, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और जे है रोटावेटर। जे सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा, और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में बाघपुर गांव के प्रधान मौजूद है, आइए जानते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग फसल के जो अवशेष हैं उससे लाभ ले रहे हैं। हमारे गांव में जो है वो फसल, ये जो फसल इस फसल प्रबंधन है, फसल अवशेष प्रबंधन, इसका बड़ा ही अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अगर आप लगा के चलें तो जैसे अभी पहल चल रही है कि भाई जो हमारी फसल है इसको ना जलाया जाए, इसके लिए जो हमारे किसान हैं वो बड़ी मेहनत के साथ इसको खेतों से, जो ठीक है फसल ठीक कंडीशन में है उसको खेतों से अपने घर लेके आते हैं और पशु चारे के लिए प्रयोग करते हैं, और जो थोड़ी सी लगा लो गिल्ली वगैरह बारिश की वजह से तो उसको वहीं पर दबा के और उसका जो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं वो इसका बड़े अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें कि ये प्रशस्ति पत्र मिला था फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कि हमारा गांव जो है वो पिछले, आप ये लगा के चलो 8-10 साल से हमारे गांव में कोई भी पराली इस प्रकार की जो वो नहीं जलाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा गाँव अच्छे से इसमें प्रगति कर रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो अपनी फसल के जो अवशेष है उससे लाभ ले रहे हैं। किस तरीके से फसल के जो अवशेष हैं उससे लाभ ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं जैसे खाद भी इससे बना लेते हैं, हम अपना पशु का चारा ही पूरा करते हैं कटाई करके, कुछ हम बेकरी के लिए भी दे देते हैं इसको, जो फालतू हमारे पास बचती है। काफ़ी इससे फायदे है, जैसे साइड में भी जिसके पास पशु है जमीन नहीं है उस भाई को भी दे देते हैं हम, यही हमारी इससे फायदे हो रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से जो फसल के जो अवशेष हैं उससे लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम गुलाब सिंह कादियान, गांव बाघपुर का। हम अपनी पराली को दिए इकट्ठा करके उसको काट कर चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो अवशेष बच जाते हैं उनको हम रोटावेटर मिट्टी में डाला देते हैं, और कोई गरीब आदमी है वह अपना झप्पर झुप्पर भी इससे कामयाब लेते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से जो फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर रहे हैं और जो लाभ ले रहे हैं वो किस प्रकार ले रहे हैं। जैसे कि अभी सुना है हमने कि जितने भी किसान भाई यहाँ मौजूद हैं सब अपनी फसल का अच्छे से प्रबंध कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। मेरा नरसिंह का जन बाघपुर से हूँ मैं जी। पराली को हम जी अब जलाते नहीं खेतों में, हम अपने घर पर चारा के रूप में मतलब उसको लूज करते हैं, और जैसे ये गोबर में मिला के और इसका खाद का भी काम किया जाता है, तो उससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। हाँ जी, उसकी मिट्टी की उपजाऊ भी उससे अच्छा वो होता है, उपजाऊ अच्छी होती है और उसे हमें लाभ मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम महताब सिंह कादियान है जी। किस तरीके से जो फसल के जो अवशेष हैं उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छी क्वालिटी के जो फसल अवशेष है जी उसका तो चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे जो जल भराव का एरिया के कारण जो फसल बर्बाद हो जाती है उसको मिट्टी के अंदर मिलाते हैं खाद के रूप में, मिट्टी उपजाऊ शक्ति देती है उसे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गाँव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।